ठीक है, तो ये आपका आ गया मटेरियल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट कल हम लोगों ने पढ़ा था टेस्टिंग के बारे में कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है। तो उसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव वाले तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, डिस्ट्रक्टिव वाले में आप लोगों को पढ़ना था जो उसमें पहला था यूटीएम वाला। तो आप लोगों को मैंने कल एक डायग्राम बनाया था वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। जो लोग नहीं देखा वो पिछले वीडियो में देख लेना। एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, उसमें अरेंजमेंट सब बनाया हुआ है कि कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं। तो मैंने बताया था जैसे कि एक स्पेसिमेन होता है, ठीक है, स्पेसिमेन मतलब एक नमूना होता है जिसको हिंदी में नमूना बोलते हैं, जांच करने के लिए किसी भी मटेरियल का। वो हम लोग इस तरीके का बनाते हैं, इस वाले लेंथ को हम लोग गेज लेंथ बोलते हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से बना होता है। तो हमने बनाया था किसका, डक्टाइल मटेरियल का बनाया था पहले कि कैसे होता है। तो देखो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। जब वो हमारा होता है जैसे हम बनाया था, ऐसे बनाया था हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक में कैसे क्रॉस हेड लगा हुआ था जो कंट्रोल कर रहा था आपके स्पेसिमेन को, ऐसे ये स्पेसिमेन था आपका बीच में, ठीक है, ये और नीचे से भी फिक्स था, ऐसे ऐसे फिक्स था, और ये ऊपर से भी फिक्स था ऐसे, ठीक है, और ये फिक्स था आपका, पूरा फिक्स था ये, और ये आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल होता था, मतलब हाइड्रोलिकली कंट्रोल होता था, मतलब कि बट यहाँ से ऑयल गया था, ये पिस्टन वगैरह सिलेंडर वगैरह यहाँ से कंट्रोल होता था, और यहाँ पे एक आपका रीडिंग था। कल देखना डायग्राम अच्छे से बनाया हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए बनाया था। कल डायग्राम इसलिए बना दिया कि आज आपको केवल समझाएंगे उसमें, ठीक है, पर डायग्राम इसलिए बना दिया, तो ये रफ डायग्राम बनाया हूँ, अब देखना उसमें अच्छे से डायग्राम बना हुआ है। उसमें ऐसे ही है कि नीचे से फिक्स है, फिर यहाँ पे एक जॉ बना हुआ है जिसमें जॉ ये स्पेसिमेन का नीचे वाला पार्ट फिक्स है, ऊपर वाला पार्ट यहाँ फिक्स है, और यह हाइड्रोलिकली कंट्रोल होता है जो पिस्टन होता है हमारा, और यहाँ से पंप से कनेक्ट है, ऑयल पंप लगा होता है, और उसके साथ ये यहाँ पे एक स्केल लगा होता है हमारा, ठीक है, मीटर जो कि बताता है हमारा। तो देखो इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं। तो टेंसाइल का मतलब क्या है हमारा, खींचना, ऐसे खूब जोर से खींचना। तो खींचना है जब हमको ऐसे जोर से एकदम खींच रहे हैं तो क्या होगा, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, बल्कि ये क्या है, फिक्स है। तो इसमें क्या होगा हमारा, मान लो अभी इनिशियल स्टेज में क्या है, इनिशियल लेंथ इसका क्या है, ये है ना, यहां से यहां तक गेज लेंथ है हमारा। लेकिन जब इसको हम खींचेंगे तो क्या होगा, इसका फाइनल लेंथ क्या हो गया, ये हो गया लेंथ, इसका क्या हुआ, बढ़ गया, लेकिन लेंथ तो बढ़ा, लेकिन इसके क्या हुआ, देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका, वो क्या हुआ, वो भी घट गया, ये दिख रहा है, ये घट गया ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका, और साथ में यहाँ पे नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक फॉर्मेशन करने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को खींच के देखना मेटल को, ठीक है, यूटीएम पे जब आना है उसमें प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग तब देखेंगे। उसमें क्या होता है ना, जब खींचोगे ना, खींचते 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 और बीच में क्या होगा, वो पतला होना शुरू हो जाएगा, और एक समय आएगा जब वो टूट जाएगा, ठीक है, एक समय आएगा कि वो टूट जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कब एंड कौन से में टूटता है ये, तो टेंसाइल टेस्ट में जो हमारा स्पेसिमेन टूटता है वो कब एंड कौन से में टूटता है, ऐसे कब बना होता है एक तरफ और एक तरफ कौन बना होता है, इसी शेप में टूटेगा। तोड़ के देखना आप लोग जब टेंसाइल टेस्ट से करोगे यूटीएम मशीन से, तो वो कब एंड कौन से में ही टूटता है। लेकिन जो ये टूटता है, जो हमारा ये यहां से लेके यहां तक जो प्रोसेस हुआ, इसका नेक फॉर्मेशन का एक अलग आपको लेक्चर दे दूंगा मैं कि नेक फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोपगेशन कैसे होता है, वो मैं अलग से समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यूटीएम पे कॉन्सेंट्रेट करो आप लोग, ठीक है। तो देखो इसमें अब ये जो प्रोसेस हुआ हमारा, जो मतलब नेक इतना से इतना ये इलंगेशन हुआ इसका, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ, इसका ब्रेक हुआ, इतने से इतने के बीच में हम लोग एक कर्व बनाते हैं, ठीक है,
और वो कर किसके बेसिस पे बनता है, तो ये जो रीडिंग मिलता है हमको यहाँ से, इस रीडिंग के बेसिस पे हम लोग कर बनाते हैं। और उसी कर के स्टडी से आपको ये पता लगेगा कि ये मटेरियल में डक्टिलिटी कितनी है, इस मटेरियल में इलास्टिसिटी कितनी है, इसकी मतलब स्ट्रेंथ कितनी है, जो भी चीज मतलब जो भी ये चीज बताता है उस ग्राफ से ही हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, तो उस ग्राफ को पढ़ने के लिए आप लोग को पहले स्ट्रेस स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेस स्ट्रेन को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ कि क्या होता है, और उसके बाद हम आप लोग को वो ग्राफ बताएंगे। ठीक है, कि कैसे ग्राफ बनता है। ठीक है, वो ग्राफ आप लोग देखो दोनों में यूज कर सकते हो। ठीक है, एक तो आप लोग मतलब जो ग्राफ मैं बताऊंगा फेरस नॉट फेरस मेटल के लिए भी बता दूंगा, और ये अलग से उसका क्वेश्चन आता है, अगर बोल देगा कि एक्सप्लेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, तो उसके लिए आपको ये यूटीएम वगैरह सब लिखने का जरूरत नहीं है, बस उस ग्राफ के बारे में आप लोग ग्राफ प्लॉट करके उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, मैं पॉइंट वाइज ही लिखवाऊंगा। ठीक है, बताऊंगा। और दूसरा बात रहा आपका जो ये यूटीएम का, तो जब यूटीएम का आएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यूटीएम मशीन कैसे काम करती है, यूटीएम मशीन में कैसे वर्किंग होता है, सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी आपको पहले आपको एक थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, इसको मिटा के थोड़ा सा ठीक है, तो देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ को भी बता दे रहा हूँ इसलिए कि ये कभी भी दो नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, हुक्स लॉ कोई बड़ा चीज नहीं है, तो बस स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है अंडर कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि स्ट्रेस क्या होता है कि ये जो होता है ना स्ट्रेस, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर है तो इसका क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगा, अगर जैसे ऐसे है अब इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो इसको अगर मान लो कि इसके में अगर जान होता है तुम्हारे ही उंगली पे, तो अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा ऐसे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तुम्हारे उंगली में अपने उंगली से, तो तुमको क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा ना फोर्स कि हाँ फोर्स लग रहा है या दब रहा है। ठीक है, तो बस वही तुम्हारा स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो होता है कि स्ट्रेस इज डिफाइंडेड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट, यानी जो फोर्स वह एक्सपीरियंस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट वही हमारा स्ट्रेस होता है। अब अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे टर्म में बात करें तो कैसे एक्सपीरियंस होता है, जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके वजह से एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, देखो जैसे इट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस सेट अप बाय द मॉलिक्यूल्स, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं अंदर के वो चाहते हैं कि ना इस पे ऐसे नीचे ना जाए, और तुम क्या चाहते हो कि जैसे जाए, यानी वो रेसिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं फोर्स को। ठीक है, इट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस सेट अप बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मटेरियल टू द डिफॉर्मेशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी जो तुम चेंज करना चाहते हो, जो तुम चेंज करना चाहते हो इसको ऐसे मोड़ के या तोड़ के, उसको विरोध करता है, उसका ये रेसिस्ट करता है, उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रेस है ये आपका तीन तरीके का होता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, और एक होता है शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो मान लो अगर जैसे कोई हमारे पास ऐसे टुकड़ा है, जैसे पिछला यूटीएम में अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो उसपे टेंसाइल टेस्ट कर रहे थे, तो उसपे कौन सा स्ट्रेस लग रहा था, उसपे कौन सा स्ट्रेस लग रहा था, उसपे टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा था। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ तो क्या होता है, इसमें इस ऑब्जेक्ट के इंटरनल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। ठीक है, कि नहीं नहीं होना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा लगा हो तो क्या होगा, टूट जाएगा। यानी जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है इसमें, तो इसके में क्या होगा, ये जो है आपका तनेगा ना, तो वही टेंसाइल स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस। और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, जब मतलब इसके लेंथ बढ़ाने के लिए जब फोर्स लगाओगे
तो वो टेंसाइल हो जाएगा। और कंप्रेसिव क्या हो जाएगा, जब इसको लेंथ कम करना है, कोई मेटल है उसका टुकड़ा है ट्यूब का, ऐसे मेटल ट्यूब का, अब तुम उसको प्रेस करो प्रेस मशीन से, तो उसका हाइट कम होगा ना, हाइट कम होगा और मोटाई बढ़ेगा उसका, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। कि कंप्रेस करके फोर्स लगाओगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऐसे लगाओगे, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अंदर की तरफ लगाओगे तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, और बाहर की तरफ लगाओगे तो वो टेंसाइल हो जाएगा। और शेयर में कुछ नहीं है, शेयर ये कि मान लो ऐसे कोई ऐसे कोई तुम्हारे पास इक्विपमेंट है, अब यहाँ पे तुम क्या किए, कैसे यहाँ पे वेल्डिंग मार दिया, ऐसे ऐसे वेल्डिंग कर दिए, अब तुम यहाँ खड़े हो गए, अब खड़े हो गए ये तो फिक्स है, अब ये इधर मुड़ोगे, ये यहाँ खड़े हो गए तो ये नीचे जाने को चाहेगा, लेकिन ये यहाँ से जाने नहीं देगा, फोर्स जो लगेगा तो बस ये यहाँ पे क्या होगा कि जो फोर्स है बट गया, मतलब शेयर हो जाता है, मतलब बट जाता है थोड़ा थोड़ा, जैसे इधर ये बटा है इसका पार्ट का, और तुम इधर खड़े हो तो इधर भी कुछ फोर्स बटा हुआ है, तो शेयर फोर्स अलग अलग बट जाता है, ठीक है। और एक चीज जानो, ये जो है आपका स्ट्रेस जो है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर का बात करते हैं हम लोग क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सॉरी इसमें मटेरियल से प्रेशर जो लग रहा है, तो प्रेशर अपॉन एरिया कर लो या फोर्स, प्रेशर और फोर्स एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है, ये प्रेशर और फोर्स एक ही है, ठीक है, प्रेशर बोल लो या फोर्स बोल लो, ठीक है, एक ही है, और ये आपका एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया ही मान लो। तो फोर्स का क्या होता है, उसके लिए ऐसा यूनिट क्या होता है, ये एरिया पे लगता है हमारा, तो इसका फोर्स का क्या होता है, ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट, ठीक है, ये स्ट्रेस वगैरह से प्राप्त होगा। अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन कुछ और नहीं होता है, ये जो इसके किसी भी चीज में जो जैसे चेंज आता है, जैसे हमारे पास जो ये मान लो कि कोई ऐसे पार्ट है, अब तुम क्या किए कि इसको कंप्रेस कर दिए, टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा दिए, तो उसका स्ट्रेन क्या होगा, ये पहले ऐसा था अब क्या होगा, ऐसा हो जाएगा दब जाएगा, तो इसका इनिशियल लेंथ क्या था, ये था, और चेंज जो आया इसका यहां से यहां तक जो इसका गायब हो गया चेंज जो आया वो डेलेल मानते हैं अगर, तो ये रेशियो होता है हमारा कि चेंज अपने डायमेंशन में चेंज का विरोध करता है, ठीक है, अपने लंबाई के चेंज में जो विरोध जो चेंज में जो चेंज सॉरी जो चेंज आता है उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, यानी चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी जो ओरिजिनल है और जो चेंज हुआ, मतलब कहने का मतलब ये परसेंटेज के रूप में देखते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, जैसे इसका यूनिट है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिटलेस होता है, बस इसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि 30%, 40%, 50% इसका ऐसे एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वही चीज है, इट इज डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ में जो डिफॉर्मेशन आता है, बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन, इसको एक्सियल स्ट्रेन भी बोलते हैं और लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। अब जैसे ये तो बात थी जैसे लंबाई के लिए, तो ये हो गया, अब अगर इंटर्न और एरिया बात करते हैं, एरिया बात करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा मान लो कि इतनी चौड़ी सीट है, ठीक है, इसका एरिया कुछ होगा, कुछ भी होगा, मान लो इसका एरिया मान लो कैपिटल ए है, और इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा इसको खींच दो ऐसे, खींच लिए तो एरिया इसका कम ऐसे हो गया, ठीक है, कम हो गया ऐसे, ऐसे लंबा हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, चार इससे भी दबा दिए इधर से तब भी बढ़ जाएगा, या खींच दो तो थोड़ा फैल जाएगा, मतलब जो चेंज आया इसमें तो एरिया भी चेंज होगा, तो और वही चीज हो जाएगा, चेंज इन एरिया अपन ओरिजिनल एरिया, अब वही वॉल्यूम में होगा, वॉल्यूम में क्या मान लो अगर तुम्हारे पास कोई बॉल है ऐसे फुटबॉल, उसको दबा दिए, दबा दिए तो उसका एरिया तो ऐसे कम हो जाएगा ना, ऐसे हवा निकाल दी उसको, तो वही जो ये वॉल्यूम में चेंज आया तो नहीं जा रहा ऊपर नीचे, जो चेंज इन डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन, यही है स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आ गया। अब आपको मैं हुक्स लॉ भी बता देता हूँ, ठीक है, कि हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है, लिख दो या समझ लोगे, चलो हुक्स लॉ को बता देते हैं ठीक से। देखो हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है कि किसी भी मतलब किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेशन में कोई मैट्रिक फोर्स लगाते हैं तो उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर तक अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, अभी मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, वही होता है हुक्स लॉ पे ही काम करता है,
वही उतना दूर हुक्स लॉ काम करता है, ठीक है। तो हुक्स लॉ वो प्रोपोर्शनल लिमिट बताता है कि कितना दूर तक आप फोर्स लगा सकते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा उस पर, ठीक है। तो हुक्स लॉ कहता है कि हुक्स लॉ स्टेट दैट द दैट व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड, मतलब वही फोर्स लग रहा है लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, इसका इलास्टिक लिमिट, हर मटेरियल का अपना एक अलग इलास्टिक लिमिट होता है कि कितना लिमिट तक वो मुड़ सकता है। जैसे ये प्लास्टिक है, मार्कर है, तो इसका एक लिमिट है कि कितना दिन तक मुड़ सकता है और फिर वापस आ सकता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, रबड़ तो क्या, रबड़ का तो इलास्टिक लिमिट बहुत ज्यादा होता है, वो तो खींच दो और छोड़ दो फिर अपने जगह पे आ जाएगा। तो वही चीज, हर मटेरियल का अपना इलास्टिक लिमिट होता है। तो भाई ये बोल रहा है कि व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इट्स इलास्टिक लिमिट, यानी उसके अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर में अगर कोई लोड डाल रहे हैं तो क्या होता है हमारा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी स्ट्रेस जो है हमारा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो अब ये प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल का सीन हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का सीन हटेगा तो कॉन्स्टेंट लग जाएगा, यानी स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारा, ये अपना स्ट्रेस के नीचे आ जाएगा स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। ये जो हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये हमारा मॉडुलस ऑफ सिटी, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं, अब ये आपको पूरा क्लियर हो गया, अब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पूरा तो नहीं हो पाएगा आज आप लोग को, कल अच्छे से पूरा कर्व बना के मैं समझा दूंगा, ठीक है। आज बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या होता है, जो हमारा बताया था ना, जो हमको जो जो लिमिट जो मिलता है हम लोग को, जो वहाँ पे रीडिंग मिलता है, जो वो जो रीडिंग मिलता है पंप के द्वारा कि यूपीएम के द्वारा, तो उससे हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ऐसे एक ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्ट्रेस होता है और यहाँ पे स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये तो जब वो जैसे हम लोग टेस्ट करेंगे ना कोई मटेरियल, तो उसका एक ग्राफ मिलेगा। जैसे उसका ग्राफ कैसे मिलेगा, जैसे अभी जो टक्टाइल मटेरियल का हम लोग करते हैं तो उसका ग्राफ देखो ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा। तो इसी में जो हमारा अलग अलग पॉइंट मिलता है, ठीक है, किस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वही हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पढ़ना होता है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था, जो हुक्स लॉ है हमारा वो यहां से लेके यहां तक जो है ये आपका ये प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। यानी इसमें इसके अंदर जिस भी मेटेरियल मेटेरियल का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर तक इसका प्रोपोर्शनल लिमिट है। अगर यहाँ तक ये अगर लोड के क्या है कि यदि लोड में इलास्टिक लिमिट का अगर हम लोग लगाते हैं इसको फोर्स, तो ये दोनों क्या है प्रोपोर्शनल, अगर ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आता है इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट जो एकदम छोटा सा कर्व होता है, बस अगर यहाँ तक अगर कोई चीज अगर मोड़ते हो आप लोग दोबारा वापस से अपनी उसी जगह पे आ जाता है। तो इसको हम लोग कल अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। अभी लंबा ये लंबा टॉपिक है और इसके साथ फेरस नॉन फेरस मेटल का भी ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे,
उसका भी देख लेंगे, ठीक है। उसका वैसे उतना एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि उस ग्राफ में मतलब नॉन फेरस फेरस का क्या क्या होता है, जैसे एल्युमिनियम का क्या है, स्टेनलेस स्टील का, एल्युमिनियम, आयरन, आयरन का, कास्ट आयरन का, आपका हाई स्पीड स्टील का, ब्रॉन्ज का, अलग अलग पढ़ लेंगे, ठीक है सबका। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी कल स्टेनलेस स्टील कर्व खत्म हो जाएगा आप लोग का।